अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही अच्छा फ्लेवर सा केक बना रहे हैं, वो है कॉफ़ी केक, जो है स्टूडेंट मेरी उनका है फेवरेट, इसलिए वो बहुत ही एक्साइटमेंट है। फर्स्ट है, फर्स्ट केक है उनका और उनका ही फेवरेट केक है। ये देखिए, स्पॉन्ज बेक करके, बीट करके, सब कुछ करके, बेक करके रेडी कर लिया है। अब वही सेम प्रोसेस बीटिंग का बताओ, फिर मिक्सिंग, इसलिए हम लोग ने क्या किया, डायरेक्टली स्पॉन्ज से वीडियो बनाया है और ये कर लिया डीप मोल्ड, जो बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। और ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है स्पॉन्ज, और इनका फर्स्ट टाइम है इसलिए फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा बेक हुआ है। ये देखिए वो फिर कर रहे हैं कटिंग, और इनका फर्स्ट टाइम कटिंग का भी है। जितने सारे केक उन्होंने बनाए हैं सब उन्होंने अपने बेबी के लिए सिखाया है, इसलिए उन्हें प्रॉपर केक नहीं बनाना था, सिर्फ और सिर्फ जो केक है वो सीखना था, स्पॉन्ज, फ्लम केक, स्लाइस केक, ये सब वो सब वगैरह। पर मैंने कहा एक प्रॉपर केक बना, आपको भी अच्छा लगेगा प्लस मुझे भी अच्छा लगेगा, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी क्रीम लगानी है और फिर पैलेट नट से स्मच करना है। बस बस बस, ये लो, जितने में आपका भैया से ना उतने दूर तक है, पूरा पूरा एकदम ज़्यादा नहीं फैलाना ताकि वो दिखे। हाँ बस बस इतना। हाँ बस बस इतना। और कौन सा बेस डालना है मालूम, पहले ये चाहिए टॉप वाला। हाँ हाँ, इसको अच्छे सोक करेंगे एकदम, साइड में भी अच्छे से करना है, ऐसा ना कि बीच में सब हो गया और साइड में मतलब खाली रह गया। उधर टॉप ये इसलिए ना ताकि वो बेस में थोड़ा मिठास आ जाए। हाँ, और जो वैसे तो इसमें शुगर होता है पर थोड़ा सा मतलब कवर अप के लिए। हाँ, और थोड़ा नहीं नरमियाँ से थोड़ा वो भी हो जाएगा और सॉफ्ट। हाँ बस बस बस। हाँ, और इस पर क्रीम अभी ना राउंड राउंड लगाएंगे, ठीक है। अच्छा ऐसा, बस इसको ऊपर स्मच करो सही से। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये चॉकलेट चिप थोड़ा बीच में ताकि थोड़ा क्रंचीनेस आए, अलग लगे। हाँ। बस इतना। हाँ बस, इस साइड थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब उसके ऊपर बेस रखो, ये अपना बेस, एक मिनट, इसके ऊपर वो ऊपर से डालेंगे। अभी देखो क्या करना है अभी, लेकिन दूसरा डालना है, लेकिन ये मुझे बोलना है कि देखो जैसे कि ये मेरे से काटने में मिस्टेक हो गया। हाँ, यहाँ तो पतला, यहाँ ये मोटा, मोटा। तो जो ये पतला साइड है ना। हाँ, तो ये जो मोटा साइड रहेगा ना उस साइड डालना, ताकि ये जो लेवल रहेगा ना इसका वो बराबर रहेगा। अच्छा, मतलब यहाँ से ऊपर से पतला कटा, नीचे से मोटा कटा। हाँ, तो उसको वैसे ही रखना। हाँ, ताकि वो जो उसका राउंड है ना मतलब बराबर। हाँ, शेप आए, देखो इसकी हाइट बराबर हो गई है, अब ये लग रहा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी कटिंग करने में। इसकी डिजाइनिंग करेंगे तो फिर वो बराबर हो जाएगा राउंड जैसा। शुगर सिरप ना। हाँ, स्मूथ करेंगे साइड से, फिर उसके बाद ऊपर का। फिर स्क्रबर लेंगे, फिर इसको तो ऑलमोस्ट हो गया, पर मैं चाहूँगी आप एक बार आप अभी ट्राई करो, ख़राब होगा मैं सही कर दूँगी बाद। इस पर अभी अगर हम इस पर ना ड्रिप लगाएंगे, ये देखो ये थोड़ा सा मोटा कट हुआ है, तो कोई बात नहीं फिर भी अच्छा लगेगा। कॉफ़ी केक में चॉकलेट ना हो तो फिर मज़ा ही क्या आता है, इसलिए चॉकलेट का फ्लेवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और ये है ना हाफ इंच के, मतलब ऐसे गैप में ऐसा ड्रिप लगाना होता है, ऐसा नहीं कि कोई पास हो जाए कोई दूर हो जाए, ऐसा नहीं, एक जैसा रहना चाहिए, तो ऐसा लुक वाइज अच्छा लगता है। फिर ऐसा लग रहा ना कोई थोड़ा सा ऊपर है तो क्या करने का, ये ऐसा पट्टी देने का, वो खुद नीचे आ जाएगा। देखो सब एक बराबर है, लेकिन कैसा थोड़ा ऊपर नीचे भी रहता है वो भी अच्छा लगता है। हाँ, वो भी बुरा नहीं लगता ऐसा, वो भी अलग, एक वो अलग पैटर्न हो गया। मैं ये नहीं बोल रही कोई थोड़ा ऊपर लटका जैसा है ना, तो सब टैप टैप करेंगे ना तो वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद पैलेट नाइफ से इसको एकदम हल्के हाथ से ऐसा हाथ रखेंगे इसके ऊपर, क्रीम के ऊपर, सॉरी गनाश के ऊपर, हो गया पूरा कवर। अब इसके ऊपर बनाएंगे हम फ्लावर। बंद करो, राउंड वन राउंड, बस नीचे छोड़ दो। हाँ एक और अंदर साइड छोड़ना है, हाँ चलेगा, कोई ऊपर नहीं लेना आपको, फिर वो जो रोज़ का है ना वो कवर हो जाता है। ठीक है, अब एक डॉट लगा दो इधर, इधर एक डॉट। डॉट कैसे लगाना है, ऐसा पुश करना है और ऐसा ऊपर ले लेना है। हाँ थोड़ा और ज़्यादा, और क्रीम बाहर करो। हाँ एक मिनट पुश करो ऊपर लो। हाँ एक ही लो यहाँ पर, तब डबल वाला। हाँ ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। अब हाथ है ना थोड़ा दबा रहे इसलिए वो फैल जा रहा है। अच्छा लाइट प्रेशर। हाँ हाँ ठीक है, बस बस। अब इसके बाद क्या करोगे आप, चौको चक्र ऊपर से हाँ डालो। ठीक है बस ना, बस बस बस, और थोड़ा घी डाल दें। हाँ थोड़ा सा, बस 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 इनफ। ये हो गया आपका केक रेडी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। ये है मेरे स्टूडेंट का प्यारा सा वर्क जो हो गया है कंप्लीट, और इसकी करेगी फोटोशूट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इन्होंने रोज़ भी ठीक ठाक बना लिया है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई पर फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट केक है, इसलिए बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और उनका ही फेवरेट केक है कॉफ़ी फ्लेवर, उन्होंने अपना ही फेवरेट केक बनाया है, तो इसलिए उन्हें और ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है।